कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी की ओर से लंदन में की गई टिप्पणी पर सियासी घमासान जारी है। अब केंद्रीय मुख्य मुख्तार अब्बास नकवी ने कहा कि कांग्रेस का वजूद वेंटिलेटर पर है, लेकिन इसके नेताओं की बेवकूफी एक्सेलेटर पर है। उन्होंने यह भी दावा किया कि कांग्रेस के नेता विदेश जाकर देश को बदनाम कर रहे हैं। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने बीते शुक्रवार को मोदी सरकार पर सीधा हमला करते हुए कहा था कि पाकिस्तान की तरह ही भारत में भी अदृश्य ताकतें देश को खोखला कर रही हैं। लंदन में आयोजित एक सम्मेलन के दौरान राहुल गांधी ने यह दावा भी किया था कि भारत की आत्मा पर भाजपा का हमला हो रहा है और बिना आवाज की आत्मा का कोई मतलब नहीं, तथा जो हुआ है वह यह है कि भारत की आवाज को कुचल दिया गया है। राहुल गांधी के बयान पर पलटवार करते हुए भाजपा के वरिष्ठ नेता नकवी ने सोमवार को संवाददाताओं से कहा कि कांग्रेस की इसी विचारधारा ने कभी मुल्क की पार्टी कहे जाने वाले दल को ऐसा बना दिया जिसकी पूछ मोहल्ले में भी नहीं है। आज कांग्रेस का वजूद वेंटिलेटर पर है, फिर भी इनकी नेताओं की बेवकूफी एक्सेलेटर मतलब तेज रफ्तार पर है। नकवी ने कहा कि कांग्रेस के नेता विदेश जाकर भारत को बदनाम करते हैं। भारत की तुलना पाकिस्तान, श्रीलंका या किसी अन्य देश से करते हैं तो कभी देश में डर और नफरत हो गई है कि बयान बहादुरी कर देश की संस्कृति, संस्कार, सहिष्णुता एवं शक्ति को धूमिल करने के पाखंडी प्रोग्राम का संचालन करते हैं, जो इनकी ऐसी ही विवेक शून्यता और विकारधारा का परिणाम है। ब्यूरो रिपोर्ट, IPN।